शुरू होंदी है असली जिंदगी शुरू होंदी है मौत तो बाद शहीदां दी हर दिल दे विच सदा समाई रहिंदी याद शहीदां दी हर दिल दे विच सदा समाई रहिंदी याद शहीदां दी सिखी गुलदस्ता देश कौम दे लेखे जेड़े अपनी चिंदड़ी ला जांदे धर्म दे बूटे दी जड़ दे विच खून जिगर दा पा जांदे देश कौम दे लेखे जेड़े अपनी जिंदगी ला जांदे धर्म दे बूटे दी जड़ दे विच खून जिगर दा पा जांदे सदा समाई रहिंदी याद शहीदां दी हर दिल दे विच सदा समाई रहिंदी याद शहीदां दी छड़ते नहीं मैदान कदे अणख दी खातर लड़ते लड़ते हो जांदे कुर्बान कदे पुरजा पुरजा कट मर जांदे छड़ते नहीं मैदान कदे निगिया यादा सिर्फ निशानी निगिया यादा सिर्फ निशानी है जायदाद शहीदां दी हर दिल दे विच सदा समाई रहिंदी याद शहीदां दी हर दिल दे विच सदा समाई रहिंदी याद शहीदां दी दिल दे विच सदा समाई रहिंदी याद शहीदां दी हर दिल दे विच सदा समाई रहिंदी याद शहीदां दी हर दिल दे विच सदा समाई रहिंदी याद शहीदां दी सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन पवित्र चरणा विच इतिहासक नगर मोहरां वाली विखे शहीद आदम सरदार बहादुर सरदार भगत सिंह जी की निघी मिठी याद में जुड़ बैठे गुरु स्वरूप गुरु खालसा जी समय मिले शहीद भगत सिंह की शहादत के दिन समर्पित दीवान में कुछ समय लिए आप जी के दर्शन दीदार करिए उपरंत आप जी की सेवा में कौम के समान शहीद के कुछ पन्ने पेश करने का यतन करिए इस तो पहला कि अपने विचारों को अगह तोरा
आओ आप फतेह दे स्मरण द्वारा मन नूं एकागर करके गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे चरणां नाल जोड़ लईए। समय की नज़ाकत नूं मुख रखदा होया बगैर कोई भूमिका बनने तो आप जी नूं फतेह अर्ज करदा हां। प्रवान करके कुछ कहण दी आग्या बख्शिश करो। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। इस नगर विच कदम धरदिआं पैर रखदिआं सब तो पहला इस नगर की धरती नूं चुक के अपने मस्तक नाल लाया, क्योंकि मिट्टी इन्नी पाक है, इन्नी पवित्र है कि इसनूं साडा फर्ज बनता है अपने मत्थे नाल ला के इस मिट्टी का सत्कार कर। सचमुच जिस मिट्टी की शान सांझ, जिस मिट्टी की सांझ कौम के शहीदां नाल हो जाए वह मिट्टी पूजण योग। तो दूजे बन्ने मैं सोचता हाँ मेरी वारी बड़े लास्ट में आई है, अंतम पड़ाव में आई है। ऐसा हो गया, मैंने एक छोटा जा प्रमाण चेते आया है। अपने पिंड आम तौर पर नरमा बीजा जाता, कपाह बीजिया जाता सन। उन्होंने नरमे से कपाह ने जो खिड़ जाना फिर उन्होंने चुगण वास्ते अपने घर दियां कुड़ियां बुढ़िया भैन मातावान भूआ उन्होंने चुगण जाती। उन्होंने चुगण वाली कुछ मुटियार कुड़ियां होंदिया सन, कुछ मेरे वर्गिया बुढ़िया होंदिया सन। परिवार वाले ने मेहनत करनी होंगी सी, अज असी मेहनत छड़ी हुई। तो कुड़ियों का एक सुभाव हुंदा सी कुड़ियों के जीवन का, क्योंकि जवानी में अपने आप में जोश भी हुंदा है, जवानी में काम करने की समर्था भी ज्यादा होंदी है। उन्होंने मोटे मोटे फुट चुक चुक के बड़ी जल्दी नाल खेत के दूजे बन्ने चल जाना, कुछ फुट इधरों फड़े तेजी नाल, कुछ फुट इधरों फड़े फुट चुकदिया चुकदिया झोली भर लेनी तो दूर चले जाना है, तो मगर रह जाना फिर मेरे वर्गियां बुढ़िया ने। उन्होंने फिर काणियां कोडियां होंदिया सन जिहड़ियां जदों नरमा खिड़दा आपां जाणदे आं साडे इलाके विच शब्द वरत्या जांदा है, और सिकड़ी दे विच जिहड़ी काणियां कोडियां रह जाणियां ने फिर मेरे वर्गियां बुढ़िया ने, वो काणियां कोडियां चुकदियां चुकदियां ने फिर बाहर नूं जाणा, फिर अगां नूं जाणा। पर तजर्बा यह होना भी वह बुढ़िया दी काणियां कौडियां जिहड़ियां चुकियां होंदियां सन ना वह भी फुटां विच रल के फुटां दे भाव विच जांदियां। सचमुच ये फुट सन जिहड़े ज्ञानी तरसेम सिंह जी मोरां वाली साहब, ज्ञानी चरण सिंह जी आलमगीर साहब चुक गए, ते मेरे हिस्से विच आईयां ने वह कौडियां। पर मैनूं इस गल का माण है कि मेरियां कौडियां भी इन्हां दे फुटां नाल रल के उसे भाव विच जाणियां ने। गुरु कृपा करे आपां एकांत करिए अपनी गल नूं। जिंदगी जो भी किसी कामयाब मनुख नूं वेखोगे इतिहास करके देने ओरे पिछे किसी औरत का बहुत बड़ा योगदान। वो औरत मां हो सकती है, दादी हो सकती है, भैन हो सकती है, भूआ हो सकती है, पत्नी हो सकती है, हर कामयाब मर्द के पिछे किसी औरत का बहुत बड़ा योगदान होता है। सरदार भगत सिंह की कामयाबी ओरी विलखणता ओरी कौम की आजादी वास्ते ओरे अंदरली जिहड़ी सिक है और पिछे मेरी सत्कार जो उस मां का बहुत बड़ा योगदान है जिस मां इस नगर ने पैदा किया। उस मां के नाम इतिहास में जो मैं पढ़ना तो कई नाम प्राप्त होते। सानू स्कूलों में विद्यावती पढ़ाया जाता रहा। ज्ञानी करनैल सिंह पारस होना ने कौम के महान विद्वान रामू वाली उन्होंने उन्होंने नाम आस कौर लिखा, तो पाल सिंह पंछी कौम का महान ढाडीए उन्होंने आख्या ज्ञान कौर का नाम है। लेकिन इस नगर में आके जिनी मैं जानकारी प्राप्त कर सकिया उस सत्कार जो भैन का नाम माता का नाम माता इंद्र कौर सी इंदी इंदी करके कहिंदे सन, क्योंकि इस नगर में पैदा हुई उहदा पिछोकड़ की है। मोरां वाली नगर नूं प्रणाम करदे आं, मैं शहीद भगत सिंह की मां नूं आ कविता समर्पित करन लगा। तुसी सियाने सज्जन बैठे हो, जदों किसी का बंदा जदों किसी का बच्चा बहुत वड्डे रुतबे ते पहुंचदा है ते लोग कहिंदे ने सदके तेरी जम्मण वाली दे, जो बंदा इनाम प्राप्त करता है फर्स्ट प्राइज जितता है जब बहुत वे जंग में जितता है तो ओरी मां नूं सदके कहा जाता है। अज आप सरदार भगत सिंह की याद में बैठे हाँ तो आओ दी मां नूं सदके कहिंदा होया ओरे चरणों में प्रणाम करता होया आ कविता मैं इस नगर की जंपल उस सत्कार योग माता नूं देन लगा कर लगा जिहड़ी मां शहीद भगत सिंह की मां है। जरा गौर फरमाओ Oh,
ਵਿੱਚ ਸੀ ਵਸਦਾ ਸਿੰਘ ਬਣਿਆ ਮਾਂ ਹੋ ਇਸ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ
सिंह दी मां सिखी गुलदस्ता जे नहीं जिक्र किया जाता जे मैं ना जिक्र करा मैं आलमगीर साहब का भी जिक्र कर लगा
ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਜੇ ਨਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਨਾ ਆਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਿੰਗਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਜੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਢਾਡੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਹੈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜੜਾ ਥੜਕ ਜਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ 4 ਅਕਤੂਬਰ 1930 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਨੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੰਗਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਾਰਡਨ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਵ ਸਰੂਪ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਇਹ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਸਨ ਇਸ ਸਰੂਪ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੋਮ ਕਤਲ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਾੜੀ ਤੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈ ਗਏ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਾਬਤ ਸੁਣਿਆ ਪਰ ਤੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਉੱਤੇ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਮਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿਤਾਬ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 1914-15 ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਾਇਕ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਝੁੱਗਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੋ ਲਗਭਗ 20 ਉਹਨੇ ਕੈਦ ਕੱਟੀ ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਫਾਂਸੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਉਤਰਿਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੇ 1915-16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਰਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜੁੱਗਾ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲ ਚਿੱਟੇ ਨੇ ਦਾੜੀ ਚਿੱਟੀ ਹੈ ਸਫੈਦ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਬਸਮਾਂ ਲਾ ਲਓ ਕਲਫ ਲਾ ਲਓ ਦਾੜੀ ਕਾਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਪਛਾਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਸਹਾਇਕ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਆਖੀ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਐ ਮੈਂ ਮੋਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਗੋਹੇ ਦਾ ਪੋਚਾ ਨਹੀਂ ਫੇਰਨਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮੋਤੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਗੋਹੇ ਦਾ ਪੋਚਾ ਨਹੀਂ ਫੇਰਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਏ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਣੀ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੇਸ ਰੱਖ ਲਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਦਾੜੀ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਸਤਕ ਹਾਂ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਤੈਂ ਮਰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਆਤਮਾ ਕਦੇ ਮਰਦੀ ਨਹੀਂ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ ਸਰੀਰ ਮਰਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰ ਕੀ ਤੂੰ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਆਤਮਾ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਰਾ ਕੁ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾ ਪੜਿਆ ਜਾਏ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਜੀਵਨ ਕੀ ਛਾਦਾਸ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਆਤਮਾ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਮਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਆਤਮਾ ਨੇ ਕਦੇ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਮਰ ਜਾਏਗੀ ਬਸ ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੇਵਲ ਸਰੀਰ ਮਰਦਾ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 6-6 ਇੰਚ ਲੰਬੀ ਸੀ 6-6 ਇੰਚ ਉਹਦੇ ਲੰਬੇ ਕੇਸ ਸਨ ਮੈਂ ਪਰੋੜਤਾ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਸੀ ਉਹਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਉਹ ਕਸੂਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਸੂਰ ਹੈ ਨਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਸੂਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵਾਂਗ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖ ਵਾਂਗ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਆਤਮਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਰੂਪ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਰਦਾ ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਉਹਦੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਰੋਹ ਰੀਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਰਦਾਦਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਦਫਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰੋਹ ਰੀਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
1949 ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬੁਲੇਟਿਨ ਬੰਬਈ ਤੋਂ ਛਪਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਛਪੀ ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਦਾੜੀ ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲੀ ਜੂੜਾ ਨੰਗਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ, ਉਹ 1949 ਦੇ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਬੁਲੇਟਿਨ ਬੰਬਈ ਤੋਂ ਛਪਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪੀ। ਉਹ ਫੋਟੋ ਜਿਹੜੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਰਨੀ ਨਾਮਾ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰ ਗਏ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੌਮ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹੀਦ, ਕੌਮ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਨਾਇਕ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕਰਨੀ ਨਾਮੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਉਸੇ ਮਾਂ ਨਾਲ ਮੁੜ ਕੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲੱਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਆਖਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜਿੰਨੀ ਮੈਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਉਹ 3 ਮਾਰਚ 1931 ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਦਿਨ 23 ਮਾਰਚ 3 ਮਾਰਚ 1931 ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਭੈਣ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਗਿਆ ਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ, ਇਸ ਨਗਰ ਨਾਲ ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਪੇਕੇ ਨਗਰ ਦੀ ਸਾਂਝ। ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆਈ, ਸਤਕਾਰ ਨਾਲ ਮਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ, ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਂ ਜਿਹਦਾ ਸਹੁਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨਾਂ ਹੈ ਆਸ ਕੌਰ, ਗਿਆਨ ਕੌਰ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਵਤੀ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ, ਲੇਕਿਨ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਇੰਦਰ ਕੌਰ, ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਣਖ ਤੇ ਗੈਰਤ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੇਰੇ ਲਾਲਾ ਪੁੱਤਰ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਲੱਖਾਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਲਾਡਲਾ, ਮੇਰਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਸਭ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ, ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਚਾਚੇ ਆਏ ਸਨ, ਇਹਦਾ ਚਾਚਾ ਆਇਆ ਸੀ ਮਾਂਡਲੇ ਤੋਂ, ਇਹਦਾ ਦੂਜਾ ਚਾਚਾ ਆਇਆ ਸੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਰਦਾਰ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਾਪ ਆਇਆ ਸੀ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਇਹ ਤੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੌਤ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇਰੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਤਾ ਆਪਣੇ ਲਖਤੇ ਜਿਗਰ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਸੀਹਤਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਜਕ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤਰਜ ਗੋਪੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਗੋਪੀ ਦੀ ਤਰਜ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣਾ ਇੱਕ ਰਾਗ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਚਲਿਕ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਤਰਜ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਮਾਤਾ ਸਰਦਾਰਨੀ ਮਾਤਾ ਵਿਦਿਆਵਤੀ, ਸਰਦਾਰਨੀ ਮਾਤਾ ਆਸ ਕੌਰ ਦੇ ਆਖੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਆਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹੋ ਕਰਾਂ।
Thank you.
ਮੰਜ਼ਲ ਦਾ ਰਾਹ ਸਿੱਧਾ ਬਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਕੌਮ ਪੂੰਜੀਦਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਰਮਾਇਆ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦਾ ਮਾਣ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦਾ ਤਾਜ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਹੀਦ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ सचमुच अपने देश की आजादी वास्ते अपना आप प्रबंध कर देगा बेटा पता है तू फांसी से झूठा ले लेना है पर मैं गल चाहती हाँ कि फांसी का जेड़ा रस्सा है जलाद तेरे गल विच ना पाउण फांसी का रस्सा तू चुम के आप अपने गल विच पा दे कि ये थोड़े माण वाली गल है इस नगर की जंपल पैण है ती है बत्ती है जिहड़ी सरदार भगत सिंह की मां अपने बेटे नूं सिक्ख्या देंदी है मां की सिक्ख्या का असर सब तो ज्यादा प्रभाव है जो बच्चों उत्ते पैंदे मां की सिक्ख्या हमेशा बच्चों उत्ते एक अपना प्रभाव छड़दी समाज में कुछ भी बच्चा सीखता है उसका प्रभाव स्कूल है जो कुछ वेखदा अपने आप उस पासे नूं तुरन दा यत्न करता है पर मां की नसीहत क्योंकि बच्चा मां के विचों मां के जिस्म का एक हिस्सा होता है गल मेरी जरा लंबी हो रही आम असी कई बार वेखते हैं जो असी मां का जिक्र करते हैं ना सतगुरु महाराज ने गुरु नूं मां भी आख्या ते पिता भी आख्या गुरदेव माता गुरदेव पिता कई बार बच्चा छोटा जिहा जदों हुंदा है ना वह पलंग उत्ते पिया मंजे उत्ते पिया पंगूड़े विच पिया रोंदा हुंदा ते मां तों जरा कु दूर बैठा बच्चा रोंदा है बच्चे नूं अपनी मां बाबत पता नहीं पर मां नूं पता हुंदा है कि जिहड़ा बच्चा है यह मेरे जिस्म दा हिस्सा है वह तो बच्चे की जिहड़ी गल है उहदियां भावनावां बच्चे नाल जुड़ियां हुंदियां ने फिर हौली हौली जदों बच्चा वड्डा हुंदा है इहनूं भी हौली हौली फिर पता लगदा है कि मेरी मां है बिल्कुल इस तरीके असी भी उस परमात्मा विचों पैदा होया परमार्थ का बचन असी उस परमात्मा विचों पैदा होया ते जो पैदा हो गया वह तो जुदा हो गया जिवें मां दे पेट विचों बच्चा जुदा हो जाता है बच्चा अलग हो जाता है ते कई बार समझदा मैं मां तो जुदा हूं मैं मां तो अलग हाँ बिल्कुल कई बार मनुख है जिदे विच मैं भी ते तुसी भी हो कई बार सानू भी ऐसा लगता कि असी अलग हाँ पर जदों सोझी आ जाएगी ना सोझी किन्हां नूं आउंदी बहुत थोड़े बंदे कि असी तो उहदा एक हिस्सा हाँ असी तो परमात्मा का नूर हाँ असी तो उहदे विचों पैदा होए हैं अंत नूं इस संसार विचों चले जाना फिर जिस मनुख नूं पता लग जाए मैं जिस विचों पैदा होया कुदरती तौर पर उहदा प्यार उहदे जीवन विच जुड़ जाए जिन्हां बंदियां नूं इह पता लग गया कि असी परमात्मा विचों पैदा होए हैं उहनां दा प्यार गुरु नाल जुड़ जांदा है परमात्मा नाल जुड़ जांदा है ते उह प्यार करदे ने अपने परमात्मा नूं उहनां नूं पता कि पैदा परमात्मा विचों है जिन्हूं नहीं पता लगता वह माण विच कई बार जिंदगी दे ओ दिन होंदे ने जिहड़े गुजार दिंदे जिहड़े मुड़ के परताए नहीं जा सकते वापस नहीं लिया जा सकते बिल्कुल आग्ञाकार बच्चा है जिहड़ा वह मां की गल समझदा है ते मां दे आखे शब्दों उत्ते पहरा दिंदा है गुरदेव सानू सतगुरु महाराज कहिंदे ने क्योंकि इहदे विचों पैदा होया ना वह कहिंदे ने गुरमुखा सिखा तेरे स्वासां दी पूंजी पल पल करके घरदी जा रही है उस परमात्मा का सिमरन कर ले असीं बाणी पढ़दे हां ना चेतना है तो चेत लै निस दिन मैं प्राणी छिन छिन औध बिहात है फूटे घर जो पानी जिवें तिड़के हुए घड़े विचों पानी सिमदा दिखदा नहीं पर हौली हौली वह घड़ा खाली हो जाता श्वास हर रोज लेंदे जा रहे हैं सानू पता नहीं लगता घर घरदे जा रहे हैं पर एक दिन ऐसा होना जो श्वासा नहीं मुकना तो जिन्हें गुरु के शब्द को सुन लिया मां के शब्द पिता के शब्द को सुन लिया वह जरूर उस परमात्मा का नाम जपन लग जाते गल मां अते पिता के महत्व को समझण दी सरदार भगत सिंह की मां ने गल कह दी बेटा पता है तू फांसी चढ़ेगा कौम लई बदल लई देश लई आजादी लई अणख लई गैरत लई सच लई नेकी लई परपार लई वतन दे वास्ते शहीद होवेगा पर बेटा इस फांसी नूं यार करके तेरा वजन घटना नहीं चाहिदा तेरा वजन बनना चाहिए तेरे मन विच माण होना चाहिए मैं हस के फांसी का झूठा लेना है मैं फांसी का रस्सा चुम के अपने गल विच पाउणा है ते अंग्रेज मेहरबान ने बड़ी कमाल की गल आखी वह कहिंदा द हैंड दैट रॉक्स द क्रैडल रूल द वर्ल्ड वह हथ जिहड़ा बच्चे का पंगूड़ा हिलाउंदा दुनिया ते राज करदे अज जिथे आप सरदार भगत सिंह नूं याद करते हैं ना उत्थे उहदी जम्मण वाली नूं भी याद करदे असल विच भगत सिंह की कुर्बानी का जो वड्डा क्रैडल देना होवे ना ते उहदी मां नूं देना बणदा है इस नगर की जंपल उस बच्ची नूं उस धी नूं उस भैण नूं
ਸਤਕਾਰਯੋਗ ਉਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਜਿਸ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕਰਨੀ ਨਾਮੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਦੋ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨੀਅਤ ਕੀਤੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ, ਬੇਟਾ ਸਿੱਧਕੋ ਡੋਲ ਨਾ ਜਾਈ, ਘਬਰਾ ਨਾ ਜਾਈ, ਮੌਤ ਆਏਗੀ ਲੇਕਿਨ ਮੌਤ ਨੂੰ ਮਖੌਲ ਕਰਨਾ, ਮੌਤ ਨੂੰ ਗਲਵੱਕੜੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਮਿਲਦੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗਲੇ ਜੋ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਰ ਵੇਖੀ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੌਤ ਕੋਲੋਂ ਡਰ ਜਾਂਦੇ। ਮਿਲਦੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗਲੇ ਜੋ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਰ ਵੇਖੀ, ਜਿਹਦੀ ਝੋਲੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਬਹੁਤੇ ਉਸੇ ਕੌਮ ਦੇ ਬਾਗੀ ਬਾਹਰ ਵੇਖੀ। ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਬੇਟਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਂ ਪੀਏਗਾ। ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਥ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵੱਲ ਵਧਾਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਲਾਲ ਤੇਰੇ ਆਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਜੋ ਤੂੰ ਆਖਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਡਾਇਰੀ ਤੇ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਮਾਂ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਝੂਟੇ ਲਵਾਂਗਾ ਫਾਂਸੀ ਦੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਵਾਂਗਾ, ਇਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਜਾਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਢਾਡੀ ਕਲਾ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਢਾਡੀ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋੜੇ ਦਾ ਪੂਰਨ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜੋੜੇ ਦਾ ਪੂਰਨ, ਬਹੁਤ ਵਿਰਲੀ ਵਾਰ ਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਗਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਤਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਆਖੇ ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਢਾਡੀ ਤਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਉਂ ਕਰ। ਸੀਧਾ
क्योंकि मां की सिक्ख्या का प्रभाव जो कुछ मां अपने बच्चे कह दे बच्चे के हिरदे इस तरीके लिखा जाता है कि उस सच उसके बच्चे के जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। आओ मैं अपन सत्कारयोग भैणा अपनिया मातावान अपन बच्चियों एक गल आखागा, आओ जरा यत्न करिए कि असी अपने बच्चों कुछ वो सबक दे दईए, वह शब्द सिखा दईए, वह ज्ञान दे दईए, उस धर्म न जोड़ दईए जिहड़ा धर्म दुनिया के सारे धर्मों तो सर्वोत्तम धर्म है। बहुत वड्डा खतरा है मेरे धर्म वास्ते। परमात्मा की रजा परमात्मा जानता ना जाने कि गलों में राजी है। अज सिख है जिहड़ा वह पूरे वर्ल्ड में बैठा है, हर देश में सिख मौजूद है। जिक्र कर रहे सन मोरा वाली सरदार तरसेम सिंह जी के इंग्लैंड आस्ट्रेलिया आए हुए गुरमुख प्यारे, कनेडा अमेरिका विच दासां नूं जाण दा मौका मिलिया। उत्थे सिखी नूं वेख के नौजवान बच्चों नूं सिखी नाल जुड़िया वेख के बड़ा माण हुंदा, बड़ा प्यार हुंदा, बड़ी भावना पैदा हुंदी है मेरी सिखी जिउंदी है। पर मैं इक्को ही नुक्ता अपना साझा कर लगा जिहड़ी गल बार बार मैनूं परेशान करदी है, वो ये है कि असी हर स्टेट विच घट गिणती वल आ गए। घट गिणती का अपना एक संताप होंगे। असी कनेडा विच, इंग्लैंड विच, अमेरिका विच, आस्ट्रेलिया विच जाके MLA बने, MP बने, मिनिस्टर भी बने, पर असी उत्थे बहु गिणती विच नहीं। जो वोटां पैंदियां ने साडा कुछ भी हिस्सा नहीं होंदा। जे इंडिया विच असी गल करिए जिथे लगभग 650 MP चुनिया जाता तो साढ़े 13 जे जाणगे वह भी पूरे सिख नहीं जाते तो साड़ी किन्नी क गल सुनी जाएगी। संविधान ने जो भी बनना है बहु गिणती बनना है, वोटां दे नाल बनना है। हिंदुस्तान का संविधान वोटां नाल बनना है ते असी किते भी बहु गिणती विच नहीं। इक्को ही स्टेट सी पंजाब, वो पंजाब जिस विच भगत सिंह पैदा होया जिहदी याद विच आपां जुड़ बैठे हां, वह पंजाब जिहदे विच मोरां वाली नगर है, जिस नगर विच बैठ के इस पिंड विचों पैदा होने वाली अपनी बेटी नूं याद किया जा रहा है, भैण नूं याद किया जा रहा है, भूआ नूं याद किया जा रहा है। मैं प्रणाम करदा इस समागम विच जिन्हां ने माया डालर पाउंड पैसे रुपये जो कुछ भी है दिता, बड़े औखे ने जेब विचों कढ़ने, पर जिन्होंने सांझे कार्ज वास्ते घर के कामों वास्ते असी करोड़ा भी खर्च लैने, पर जदों शहीदों की याद में कोई समागम होने होंगे ने फिर हर बंदा हर परिवार पैसे नहीं दिता, क्योंकि राजनीति ने सानू इस तरीके नाल वंड दिता है, पोलीटिकल लोगों ने सानू इस तरीके नाल वंड दिता है कि एक एक परिवार में हुण कई कई धड़े बने हुए। गुरु कृपा करे जदों धड़िया विच वंडे जावांगे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। जे असी राजनीतिक तौर पर हर बंदे नूं अपनी राजनीति प्यारी होंदी है, वह कहिंदा मैं तो हैरान हुंना, गल मैं कह दिंदा अपने पिंड विच भी कह दईए मोरां वाली नगर नूं मैं अपना पिंड मंनदा हां क्योंकि इत्थे मेरे छोटे वीर ने, कदे राजनीति दूजियां नाल खेडी जांदी सी पर अज राजनीति है जिहड़ी, मैं हैरान हुंना भी अज अपने ही अपणियां नाल खेडी जांदे ने राजनीति। राजनीति अपणियां नाल खेडण वास्ते नहीं हुंदी,
राजनीति होंदी है जदों तुसीं सत्ता प्राप्त करनी होवे राजगद्दी एक पासे शहीद अपना खून डोलदे ने ते एक पासे कौम दा भविख माणे भविख बनाउण वाले राजनीतिक लोक कुछ नीतियां बनाउंदे ने जिन्हां ते चल के असीं आजादी भी प्राप्त करनी होंदी है। अज सिखां दी आजादी कित्थे है? ओ सरदार भगत सिंह जिन्हें भाई साहब भाई रणजीत सिंह नाल मुलाकात करन तों बाद इह गल कह दित्ती, मैनूं पछतावा है कि मैं धर्म तों इन्नी देर दूर क्यों रहा। पढ़ो उन्हां दी किताब जेल चिट्ठियां, जे तुहानूं मिल जाए जरूर पढ़ के वेखणी, उहदे विचों तुहानूं पता लगेगा कि बंदगी करन वालिआं दा प्रभाव किहो जिहा हुंदा। मैं अपनी गल नूं संखेप करां, मैं तों बाद संत बाबा प्रेम सिंह जी दरअसल जिन्हां लई मैं शब्द अक्सर विचोला वरत्या करां, इस स्टेज के संचालक संत बाबा हरचरण सिंह जी खालसा रमदासपुर वालिआं नाल मिलाउण वाले संत बाबा प्रेम सिंह होरी ने प्रीतमपुर वाले, असीं कनेडा विच इकट्ठे सां। उदों मैं इन्हां महापुरखां बाबत नहीं सी जाणदा ते संत प्रेम सिंह होरां ने उत्थे गल कहणी, ज्ञानी जी जथा तुहाडा वधिया, तुसीं ना साडे इलाके विच महापुरख ने संत बाबा हरचरण सिंह जी रमदासपुर वाले, उन्हां कोल जरूर आयो, बड़ी पहुंची हुई आत्मा है, पवित्र आत्मा है, कोल गया सुकून मिलता है, आनंद मिलता है। ते नाल ही ना ने मैनूं इक हदायत भी करनी भी उन्हां कोलों माया ना मंगियो, पैसे ना मंगियो। ते बाबा जी भी लभदे ढूंढदे ढूंढदे साहिब साहब भाई सुरेंद्र सिंह होरी डॉक्टर साहब बैठे ने, सारा निकू होरी जिन्ना भी ये परिवारक तौर ते एक ग्रुप है, कह दे मैं संस्था है, संत बाबा हरचरण सिंह जी खालसा रमदासपुर वालिआं दे जो संगी ने, इन्हां ने रल के सानू लभ लिया। ते मैं जदों बाबा जी कोल पहलां आया आया इन्हां दी हदायत मुताबक, इन्होंने आखा सी जरूर जाना, पर मैं इन्हां दी दूजी गल ते अमल नहीं कर सकिया। मैं बाबा जी कोलों अपनी जबान विच मूंह मंगमी माया लैके आया, गुरु कृपा करे। फिर कदे सतगुरु महाराज ने समा दिता, उस नूं बदले में रूप विच कुछ करन दा यतन कीता, किन्ना कर सकिया ते मेरा सतगुरु जाणदा है, मैं सीमित करां गल नूं। मैं गल इह करदा सां कि उन्हां महापुरखां ने साथों बाद आप जी नूं गुरबाणी दे मनोहर कीर्तन द्वारा निहाल करन आए ने, जीओ आया नूं असीस दे के गए ने, बहुत बहुत धन्नवाद। माता नाल इकरार कर लिया, मां तेरी कुख विचों पैदा होया, तू मैनूं नसीहत दित्ती, अपना सीर चुकाया, हस हस के फांसी दे रस्से नूं अपने गल विच पावांगा, जलाद नूं पाउण नहीं देवांगा। हुण नियत कीता दिन आ गया, इह तिन्नां सूरमियां नूं कढ़िया गया, 14 नंबर काल कोठरी विचों सरदार भगत सिंह नूं कढ़िया गया, उधरों इहदे कोल नेड़े बिल्कुल नेड़े फांसी दा इंतजाम कीता गया। फांसी दे फटिया ते जदों सरदार भगत सिंह राजगुरु अते सुखदेव चढ़न लगे ने, हुण किवें हस हस के फांसी चढ़दे ने, जदों फांसियां दे फटिया ते खलो गए तिन्नें, ते सरदार जिन्हां दा आगू है सरदार भगत सिंह जलाद ने आख्या, मैं मूंह तुहाडा काले कपड़े नाल ढक के रस्सा अपने हथ नाल पावांगा। सरदार भगत सिंह ने आख्या, नहीं जलाद, मैं फांसी दा रस्सा, क्योंकि मैं देश वास्ते मरन लगा, सच वास्ते मरन लगा, अणख ते गैरत वास्ते मरन लगा, फांसी दा रस्सा तू मेरे गल विच नहीं पाएगा, मैं कोई मुजरम नहीं, मैं कोई दोषी नहीं, मैं देश भगत हाँ, यह फांसी दा रस्सा अपने देश खातर मैं आप गल विच पावांगा। और तको शहीद भगत सिंह ते उहदे साथी जिवें शहादत दा जाम पीण लगे ने, वह सारी कहानी त्रिलोचन सिंह भमद्दी दा ढाडी जथा त्रिलोचन सिंह भमद्दी दा ढाडी जथा आप दी सेवा विच इहों कहण लगा। जाम दे तिन्ने नारे इनकलाब
हो रही पर दे ना अख पूंज ली
खलो गया अंदरों मायूस हो गया वो आकी हो गया। आखिरी बंद कहन लगे मेरे साथी, मैं उन्होंने एक बार फिर अपने हिरदे की गहराई विचों सत्कार देना हाँ। यह प्रसंग रात कंप्लीट किया ते आजे गाउन लगे ने, मैं उन्होंने उचेचे तौर पर जिक्र करता रात जो प्रसंग मैं लिख के रचा कसूर मेरा है, इन पहला लिख के देना चाहिए। मेरी ड्यूटी है, मैं हेड हाँ, मैं प्रचार का घटो घट हफ्ता पहला 10 दिन पहला यह प्रसंग पूरा करना चाहिए सी मैं, पर एक कुदरत की रजा है। मैं अपनी जिंदगी का किराए थोड़े न साझा करा, मैं जिनी भी कविता गुरु ने मेरे को लिखाई है ना मजबूरी की हालत में लिखाई। संत बाबा प्रेम सिंह होरी मेरे ना गुस्से भी हो गए इस गल तो, इन्होंने आख्या ज्ञानी जी कुछ शेर लिखो वधिया लिख दो। मैं क्या बाबा जी लिख देंगा, पर लारे लाने वाले जेडे बंदे होंगे ना इन्हों की अपनी दुनिया होती है, मैं भी उन्होंने शामिल हो गया। अज लिखता बाबा जी, हूँ अगले हफ्ते लिखागा बाबा जी, हूँ फिर अगले हफ्ते लिखागा, कदे बाहर चले जाना कदे इतने आ जाना, मैं इन्हों लिख के नहीं दे सकिया। इन्होंने गुस्सा भी बड़ा ऐसा किया जिन्हों ना ये प्रगटाते हैं, तो मैं समझी जाना ये समझाई जाते हैं गुरु रहमत करे, ये अंदरों मेरे ना खुश हो जाए। कई बार इन्हों की नाराजगी मैं समझ लेंगा, मैं गल तां करी है जो मैं नौ लैन लग्या ना अपने साथियों की कविता गल रुक गया, ये कुदरत वाले की खेड है मैं नहीं जानता। मेरे ढाडी साथी सरदार दर्शन सिंह बल मेरे जथे का शिंगार, ज्ञानी सुख नंजन सिंह जी सुमन साहब जेड़े एक वक्री अदारे मालिक ने, सुरंगी मास्टर ज्ञानी चमकौर सिंह जलालाबादी, वह साहब जी की सेवा कह रहे हैं। हुण जलाद ने जदों सरदार भगत सिंह नूं राजगुरु ते सुखदेव नूं फांसी दे रस्से अपने गलां विच आप पाउंदे वेख्या ना, उहदी अख विच सिल आउण ना रह सकी। जदों गोरे ने हुक्म दित्ता खिच दो फट्टा, जलाद ने फट्टा खिच दित्ता, हुण तिन्ने सूरमियां दीआं लाशां लमकदीआं ने रस्सियां दे आसरे उत्ते, जलाद दी अख सिली हुण ना रह सकी। पर शरेआम अपनी अख नूं पूंझ नहीं सकदा, पर्दे दे नाल उन्हें अपनी बांह के किस्से अपन रोंदियां अखां का पानी पूंजिया, पर जिस तरीके वेखदा कि मेरे हिंदुस्तान के वासी आजादी लैण वास्ते शहादत का जाम पीण लगे ने, हुण हिंदुस्तान बहुत ही देर गुलाम नहीं रहेगा। सरदार भगत सिंह के नाल राजगुरु और सुखदेव जिवें शहादत का जाम पी के हिंदुस्तान के पैरों में गुलामी दियां जंजीरां तोड़न लगे ने। इस कविता का आखिरी बंद मेरे साथी आपके सामने सारी संगत शहीद भगत सिंह की महान कुर्बानी का, उन्होंने सत्कारयोग माता की महान कमाई का, राजगुरु और सुखदेव की महान कमाई का ध्यान करके गज के आखो सतनाम श्री वाहगुरु। नियत किया टाइम अपनी मंजिल से चला गया, 1 घंटे का समा से, जे मैं गलती ना करता होव शायद 2-3 मिनट की कुताही हो गई होगी, यदि मैं क्षमा चाहता हाँ। गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का धनवाद, जिन्होंने अपने दरबार का ढाडी होने का मान दिता है। संत बाबा हरचरण सिंह जी खालसा अरमदासपुर वाले, इन्हों के समुचे उन्होंने धनवाद, उन्होंने सहयोगियों का धनवाद, दमदमी टकसाल के महापुरख बैठे ने उन्होंने धनवाद, गुरु के लाडलियां फौजा वो बैठिया ने उन्होंने वालों सरोह भाव दे के नवाजा गया उन्होंने धनवाद, महापुरखों का धनवाद,
बड़े प्यार ना सत्कार नाल उदासीन परंपरा दे महापुरखा वालों प्यार दिता गया धन्यवाद अते मेरे अपने मित्रां दी दुनिया विचों ज्ञानी पवित्र सिंह जी ददयाल उन्हां वालों बेअंत प्यार मिले बहुत सारे गुरु प्यारे संगत विच ऐसे बैठे ने जिन्हां नूं मैं जाति तौर ते जाणदा जिन्हां दे परिवारां विच जाके परिवारां विच प्रोग्राम कीते ने लेकिन सारयां दे नां मैथों नहीं बोले जा सकणगे सरदार हरदयाल सिंह जी प्रधान ढाडी सभा हुशियारपुर जो मोरा वाली नगर नूं बिलोंग करदे ने उन्हां वालों भी अपने वीरां नूं प्यार दिता गया ज्ञानी तरसेम सिंह जी मोरा वाली साहब दे सत्कारयोग पिता जी उन्हां वालों बेअंत प्यार मिले ते उन्हां दे जत्थे वालों मोरा वाली जी दे जत्थे वालों चेते तौर ते सरदार जसवंत सिंह जी कमल क्या बात है सतगुरु महाराज की बड़ी रहमत है उन्होंने गले उत्ते उन्हों की आवाज इन्नी मिठी है ते जिन्ना मर्जी उच्ची सुर से गा लैन उन्हों की आवाज कदे फिक्की नहीं पैंदी उन्होंने बहुत बार दो तीन बार प्यार दिता है ते उन्होंने घर समागम से जे मैं भुलदा नहीं तो 18 तरीक का उन्होंने सब तो पहला जथे नूं जिस नूं याद किया जरनैल सिंह गिल राही सानू याद किया ये वक्री गल एक असी नहीं आ सके उन्होंने वालों ते उन्होंने नाल इधरले पासे खलो के सेवा करने वाले ज्ञानी पवित्र सिंह जी बस दिनों में ऐसे ढाडी बड़े ने जिन्होंने पुरातन ढाडियों तो भी अगांह दो कदम रख के अपने आप ले आप नूं स्थापित कर लिया वह ज्ञानी पवित्र सिंह जी और उन्होंने सरंगी की सेवा करने वाले ज्ञानी जरनैल सिंह जी गिल साहब उन्होंने पोटियां के कमाल तुसीं वेखे ने सिखे मेरे सरंगी मास्टर कोलों ने क्योंकि इन्हां दे सत्कारयोग बच्चों के मामा जी ने रिश्तेदारी तुसीं आप समझ लैनी बहुत बहुत धन्यवाद तो इत्थे ही मैं अपने विचारों नूं समाप्त कर दूं पहला जितनी भी संगत इंग्लैंड तो आईए आस्ट्रेलिया तो आईए कनेडा जां यूरप के होर देशों तो आईए अमेरिका तो आईए सारी संगत का धन्यवाद करता हाँ प्यार बहुत मिले है मैं आप दे प्यार का कर्जदार हाँ समुचे तौर पर समूह इतों के प्रबंधक जिन्होंने 100-100 रुपया इकट्ठा करके 500-500, 1000-1000, 11-11 हज़ार जिनकी किसी भी समर्था से उचेचे तौर पर सरपंच साहब सरदार सतविंदर सिंह जी उन्होंने सहयोग नाल पंच साहब सरदार गुरदेव सिंह जी डॉक्टर अवतार सिंह साहब जी ज्ञानी इंद्रजीत सिंह जी ग्रंथी सरदार जसपाल सिंह जी उन्होंने वालों भी बेअंत सत्कार दिता गया धन्यवाद करता हाँ।